كان القرآن رباني وعلى في الورى شاني. كان القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. بسم الله الرحمن الرحيم. हमने इसमें मफ़ऊल के सिवाय मक़ूलुन की तालील पढ़ी कि मक़ूलुन असल में मक़बूलुन था, वाव मुतहर्रिक है, मा क़ब्ल साकिन है, वाव की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को दी तो दो साकिन जमा हो गए, दो वाव साकिन, तो एक वाव को गिरा दिया तो मक़ूलुन हो गया। यहां मुसन्निफ ने फायदे के तहत एक बात ये बयान की कि भी यहां दो वाव जमा हुए, एक वाव हज़्फ हो गया, अब इसमें सरफियीन का इख्तिलाफ हो गया कि पहला वाव हज़्फ हुआ है दूसरा वाव हज़्फ हुआ। चुनाचे बाज़ सरफियीन का कहना है कि दूसरा वाव हज़्फ हुआ, अब दोनों वाव में फर्क पहले हम देख लें कि मक़बूलुन में जो मफ़ऊलुन के वजन पर था पहला वाव ऐन कलमा है और दूसरा वाव इसमें मफ़ऊल का वाव है यानी वाव ज़ाइद है। बाज़ सरफ़ियीन का कहना है कि दूसरा वाव हज़्फ हुआ, क्यों कि दूसरा वाव जो है जायद है और जायद हजब करने के ज्यादा लायक है, एक असली है, असली को हजब ना किया जाए, जायद को हजब कर दिया जाए। और बाज ये कहते हैं कि नहीं, पहले वाव को हजब करेंगे, क्यों? उनका कहना ये है कि दूसरा वाव जो है वो इसमें मफ़ऊल की अलामत है और अलामत को हज़्फ नहीं किया जाता, इसलिए पहले वाव को हज़्फ करेंगे। चुनांचे जो ये कहते हैं कि दूसरा वाव हज़्फ होता है तो इसका मतलब ये निकला कि वाव हज़्फ हुआ ऐन बाकी है तो मक़ूलुन जो बना वो मफ़ऊलुन के वजन पर बना, यानी ये वाव जो है वो ऐन कलमा है। और जो ये कहते हैं कि पहला वाव हज़्फ हुआ तो इसका मतलब ये है कि ऐन कलमा हज़्फ हो गया और वाव ज़ाइद बाकी है तो मक़ूलुन मफ़ऊलुन के वजन पर बना, ऐन हज़्फ हो गया, वाव ज़ाइद बाकी है। मुसन्निफ यहां फरमाते हैं कि अक्सर लोग तो दूसरे वाव के हज़्फ को तरजीह देते हैं, लेकिन मुसन्निफ का कहना यह है कि ऐसे मौके पर जहां दो साकिन जमा होते हैं पहले को ही हज़्फ किया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि असली है या ज़ाइद है या अलामत है। जैसे फिल अर्द में देखेंगे हम फी या साकिन अल अर्द में लाम साकिन, दो साकिन एक के बाद दिगरे आ गए तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में पहले या साकिन को हज़्फ कर देते हैं और पढ़ते हैं फिल अर्द। जबकि हम देख रहे हैं कि फी में या असली है और अल अर्द में लाम ज़ाइद है, और पहला साकिन हज़्फ हो गया है, चुनांचे ये कहना कि जो ज़ाइद है वो ज्यादा लायक है हज़्फ की, ये बात सही नहीं हुई, वरना ज़ाइद तो यहां लाम है वो हज़्फ नहीं हुआ, तो ये कहना सही नहीं हुआ कि ज़ाइद हज़्फ की ज्यादा लायक है। दूसरी मिसाल देखते हैं हम अकीमु सलात, अकीमु वाव साकिन और अस्सलात सौत साकिन, वाव और सौत दो साकिन जमा हुए एक के बाद
बात भी करें तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में वाव हज़फ हो गया अभी मुस्सला। हालांकि यहां वाव जो है वो जमा हाजिर की जमीर है, अलामत है और अलामत हज़फ हो गई, तो ये कहना कि अलामत हज़फ नहीं होती ये भी बात सही नहीं हुई। तो दोनों बातें गलत हो गई कि भी जाहिद ज्यादा हज़फ के लायक है ये भी बात सही नहीं, अलामत हज़फ नहीं होती ये भी बात सही नहीं, क्योंकि यहां असली हज़फ हो गया जाहिद बाकी है, यहां अलामत हज़फ हो गई। लेकिन एक बात यह है कि दोनों जगह पहले साकिन को हज़फ किया गया है, तो मुसन्निफ का कहना यह है कि भी ऐसी जगहों में पहले को हज़फ किया जाता है, वहां असली जाहिद और अलामत वगैरह कुछ नहीं देखा जाता। चलिए भाई, ये तो इख्तिलाफ की सूरत हमारे सामने आई, लेकिन मसला ये है कि भी पहला वाव हज़्व करे या दूसरा हज़्व करे बन तो मक़ूलुन ही रहा है, तो इख्तिलाफ का फायदा क्या हुआ? फिर पहला वाव हज़्व तब भी बनेगा मक़ूलुन, दूसरा वाव हज़्व तब भी बनेगा मक़ूलुन। लेकिन कहते हैं कि इस तरह के इख्तलाफ का समरा और नतीजा मसाइल फिकहिया में निकल आता है। वो कैसे? मौलवी इस्मतुल्लाह साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह खुलासतुल हिसाब में लफ्ज़ रहमान के मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ होने के बारे में एक बात ये बयान की। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि मैं गैर मुनसरिफ का कोई कलमा जुबान से अदा नहीं करूंगा, उसने लफ्ज़ रहमान कहा, तो जो ये कहते हैं कि ये गैर मुनसरिफ है उनके नजदीक उसकी कसम टूट जाएगी, और जो ये कहते हैं कि मुनसरिफ है उनके नजदीक उसकी कसम नहीं टूटेगी। ऐसे ही यहां भी मक़ूलुन का लफ्ज है, किसी आदमी ने कसम खाई मिसाल के तौर पर कि मैं वावे जाहिद का तकल्लुम नहीं करूंगा, यानी ऐसा कोई लफ्ज नहीं बोलूंगा जिसमें वावे जाहिद आए, और उसने अपने कलाम में लफ्ज मक़ूलुन का इस्तेमाल किया, तो जो लोग ये कहते हैं कि दूसरा वाव हज़्फ़ हो जाता है उनके नजदीक उसकी कसम नहीं टूटेगी, क्योंकि मक़ूलुन ऐन कलमा है वाव, वावे ज़ाहिद नहीं है। और जो ये कहते हैं कि पहला वाव उसको हुआ है उनके नजदीक गोया उसने मक़ूलुन मफ़ूलुन के वजन पर, यानी वाव ज़ाहिद का उसने तकल्लुम कर लिया, वावे ज़ाहिद उसने अदा कर लिया अपने कलाम में, तो उसकी कसम टूट जाएगी, वानिस हो जाएगा। या मिसाल के तौर पर किसी ने अपने बीवी से कहा कि अगर तूने वावे जाहिद का तकल्लुम किया, तूने वावे जाहिद का कलिमा अदा किया तो तुझे तलाक, और उसने अपने किसी जुमले में लफ्ज़े मक़ूलुन का इस्तेमाल किया, तो जो लोग ये कहते हैं कि वावे दुवम हज़्व हुआ, दूसरा वाव गिर गया पहला बाकी है, तो इसका मतलब वह हानिफ नहीं होगा, उसकी कसम नहीं टूटेगी, उसकी बीवी को तलाक वाक़ नहीं होगी। और जो लोग ये कहते हैं कि वावे उल गिरा है, ऐन कलमा गिरा है, वावे ज़ाहिद बाकी है, तो गोया उसने मक़ूलुन बोलकर वावे ज़ाहिद का तकल्लुम कर लिया, वावे ज़ाहिद को अदा कर दिया, तो उनके नजदीक वह आदमी हानिस हो जाएगा, उसकी कसम टूट जाएगी, उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। तो मसाइले फिकहिया में ऐसे इख्तलाफ का नतीजा निकल आता है। तो बहरहाल मुसन्निफ के नजदीक ऐसी जगहों पर पहला वाव हज़्फ होता है जहां दो साकिन इस तरह के जमा होते हैं। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन।